हेलो दोस्तों, दिस इज रेड एफएम एनसीआर मुरसेल। आज के जो वीडियो स्टैंडर्ड के ऊपर है, इसमें एक अजीब सी आवाज आ रही है। आवाज कैसी है, जैसे चला के क्लच दबाओ ब्रेक मारो ना, एकदम खड़ा ऐसा लगता है किसी ने हथौड़ा छूने की बरसात कर दी, ठक 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 ऐसी आवाज आती है। तो वो आपके साथ शेयर करनी है, छोटा सा काम है, मुझे पता है क्या है, बट आपको फिर भी चला के भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा मतलब कैसी आवाज आ रही है। और कोई आपको पागल ना बनाए तो किस तरीके से उसको काम कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, किसी मैकेनिक के पास जाके भी कर सकते हो कि हाँ भाई इसमें ये आवाज है, आप ये काम कर दो। और बहुत से लोग इस चीज़ का ना फालतू के पैसे बना लेते हैं, इसलिए आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। और जब ये आवाज़ आए तो ज़्यादा दूर मत जाना, लंबा मत चलाना, उस इस आवाज़ को ज़्यादा यूज़ मत करना, जाके सीधा मैकेनिक के पास जाना, ठीक है। आइए पहले चलिए हेलमेट पहनता हूँ, बाहर सुनाता हूँ उसकी आवाज़। सो ये आप चला के दिखाता हूँ आपको कैसी आवाज़ है। अभी तो नॉर्मल चलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक। बट अब जैसे ब्रेक मारूंगा ये, ओ भाई ब्रेक मारते हैं चलाओ धड़, किसी ने हथौड़ा मार दियो, ये देखो ये जैसी, अगर देखो ऐसे मार रहे हो कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल है। बट क्लच दबा लिया और सडनली ब्रेक मारे, जैसे हमने क्लच दबाया और ब्रेक मारेंगे, ये ठाट जैसे कुछ अटक गया हो, आ रही बस। तो ये जो आवाज है बेसिकली, दिखाता हूँ किसके शॉप पे चल के। सो इसमें क्या है, खाली ब्रेक दबाओ, दबा के रखो, ये देखो इसकी कपलिंग रबड़ बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है, मेरे ख्याल में मसाला बन गया हुआ कपड़े में बढ़कर। तो जो आवाज़ आ रही है, स्प्रॉकेट के ग्रूव एलॉय व्हील के जो कट होते हैं उसमें जाके टच हो रहे हैं। खाली टायर खोलो उसका, दिखाते हैं अभी कैसे। तो सिंपल सा व्हील खोलने के लिए यहाँ पे एक नट है 24 नंबर का, और यहाँ पे होता है बहुत सी टाइम उस साइड लगा होता है, तो सिलेंडर डिपेंड करता है, कहीं से भी लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मोस्टली यहाँ से एक्सल जाता है, इस साइड नट होता है। दिखाओ, रखो यहाँ पलटो, ओए होए क्या बैंड बज गए इसकी, कहते ना चूरा निकलेगा। अब देखो इससे क्या हुआ है, आपका ये जो एलॉय व्हील है, दिखाओ निकालो पूरा निकालो, कब क्या फंसा हुआ है, ये देखो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें। खाली एक स्पॉकेट ला के दो, खाली पेचकस दो, जैसे इसमें क्या है, जब ब्रेक दबा रहे ना तो कुशन इसका ख़त्म हो गया, बेसिकली जो हमारा कुशन काम करता है तो वो कुशन ख़त्म हो गया। ये जो हुआ है बेसिकली, ये ब्रेकिंग से नहीं हुआ, अभी क्लाइंट बता रहे हैं कि भाई ब्रेकिंग हार्ड ब्रेकिंग हुआ है, तो ये वाला अगर हार्ड ब्रेकिंग से होता ना तो बेसिकली इसकी पीछे वाली रबड़ ख़राब होती है। ये हुआ है झटके से उठाने पे, क्योंकि अगर ब्रेकिंग का होगा फोर्स लगेगा इसका तो इधर को रोकेगा ये। जैसे हमने ब्रेकिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड और क्लासिक वाला में जो ड्रम ब्रेक होते हैं, इसके ड्रम को रोकता है, ठीक, ड्रम को रोका बट फोर्स हमारा इस तरह चल रहा है, तो जो फोर्स आएगा इस तरफ आएगा ब्रेक वाला फोर्स, और ये वाला जो फोर्स है चैन ने घुमाया, मूवमेंट करा इस तरीके से, तो झटका मारा तो हमारी रबड़ें ख़राब हुई हैं आगे की, निकालो इसे। और ये पूरा, ओ भाई अलॉय व्हील टूट, ऑलमोस्ट टूटने वाला है, देख लो क्रैक, क्रैक आ गया भाई, घुमाओ, इसके चारों फिन्स में क्रैक आ चुका है, बट बोलूँगा थोड़ा ध्यान से करो, ये देखो ना ये वाला क्रैक आ गया है, यहाँ पे भी, बस बिकॉज ऑफ ये रबड़ कट गई तो सीधी हिट, एक हथौड़े की चोट इस पे लग रही थी डायरेक्ट, तो ये वाली आवाज़ थी, देखो ये सुन रही, ये वाली आवाज़ थी वो, क्योंकि हिट हो रहा था उसके अंदर, ठीक। चलिए इसकी कपलिंग रबड़ लगाते हैं, फिर चला के आपको दिखाता हूँ। सो इसकी जो ओरिजिनल कपलिंग रबड़ है वो है 152 MRP, देख सकते हो, ठीक है। खाली फिट करो इसको, कुछ नहीं होता इसमें, कोई वो नहीं है ज़्यादा, आपको टेंशन नहीं लेनी, सिंपल पैकेट खोलना है और इसमें डैट लगानी है, इसलिए मैं करता खुद भी लग सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो फिट करो इसे। यहाँ पे हमेशा जब भी टायर लगाओ पहले छोटा स्पेसर देन बड़ा स्पेसर, देखो छोटा वाला ये पहले लगेगा, लगाओ ये इधर लग जाएगा पहले, देन ये वाला स्पेसर, बड़ा वाला ईबीएस वाला, इसमें और नॉन ईबीएस में खाली स्पेसर होता है, एवीएस का सेंसर नहीं होता, ठीक। चलो व्हील टाइट करो खाली, फिर चला के देखते हैं बाहर। आइए अब सुनाता हूँ आपको, ये देखो एक
एकदम से ब्रेक मारो, कोई आवाज़ नहीं है। ऐसी बात, अब कहाँ से आवाज़ आएगी? देखो कोई आवाज़ नहीं है। मैं इतनी देर में खट 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 कर रहा था। देखो आइए थोड़ी बात करते हैं। तो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, अब कोई आवाज़ नहीं है भाई। ये अगर कुछ करो तो आपको पता होना चाहिए कि बाइक में क्या इशू आ रहा है, कि अगर कोई आपको पागल बना, ये चीज़ अगर पहले थोड़ा लेट होती तो उसका अलॉय व्हील टूट जाता, ड्रम वाले होते ड्रम टूट जाता, ये सब चलता रहता। तो कभी भी आवाज़ आए तो अपने नियर बाय मैकेनिक के पास जाओ और ऐसी वीडियोज़ देखते रहो ताकि आपको कोई पागल ना बनाए, ठीक है? आप मैकेनिक के पास तो चले गए, वहाँ कोई पागल बना दे, है ना? कुछ लोग हैं, मतलब कहते ना, मैं ये नहीं कह रहा सारे बहुत अच्छे मैकेनिक ज़्यादा हैं, बट उनके अंदर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आप वहीं फंस जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी कोई भी आवाज़ आए तो पता लगा लिया करो किस चीज़ की आवाज़ है, पागल मत बना करो। डिटेल वीडियो आपके सामने आती रहेगी, ऐसी और ज़्यादा आती रहेंगी, तो आपको पता आपके चैनल के साथ क्या करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, तरह की वीडियोज़ का मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। तब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। टायर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म सिंह हो गए ये तो। चलो ठीक है अर्जुन भाई, ठीक करो बाइक को, हालत देखना इसकी क्या निकलेगी। और ये जिनकी बाइक है भाई, ज़रा वीली फिशीली चल रही है आजकल, इस पर लग रहा है जब भी होता है, ये जो वीली वीली होती है ना तो उसी में होता है। तो ये लगाना मत भूलना, जैसे छोटा ये वाला लग रहा है, तो वो खाली दिखा देते हैं एक बार। अब आराम से बोलो भाई, अब तो रख दो। तेज करना बाइक को, हाँ ये इस साइड कर ले, रेडी।